गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. देन लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 10, द स्टोन सूप. ओके, टुडे वी आर स्टार्टेड टू हमारा जो न्यू चैप्टर है हम उसे स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट मीन्स इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि हमारा ये चैप्टर कैसा है, क्या है और हमारी स्टोरी जो है किस पे बेस्ड है. ओके, लेट्स बिगिन. डू यू थिंक इज इम्पॉर्टेंट टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स. क्या बताया गया है कि हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स हमारे लिए बातें हैं जो हमारे जो राइटर है उन्होंने हमें बताया है, जो हमारी स्टोरी है कि हमारे लिए ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है. थ्री सोल्जर्स, हंग्री सोल्जर्स टीच एन एंटायर विलेज हाउ टू शेयर. दिस प्ले इज बेस्ड ऑन अ रशियन फ्लोक स्टोरी, इंजॉय रीडिंग इट. यस, हमारी जो स्टोरी है किस पे है, रशियन फ्लोक स्टोरी है ये. यस, कैरेक्टर दिए हुए हैं हमारे पास, लेट्स रीड इट. कौन कौन से कैरेक्टर है हमें देखेंगे. स्टोरी टेलर मीन्स जो हमें बता रहा है स्टोरी वो सोल्जर्स, थ्री सोल्जर्स थे इसमें, जिसमें कौन क्या क्या नाम था उनका, इवन, बेनी एंड लियो. ये थ्री सोल्जर्स थे. यस, आपको पता है सोल्जर्स मीन्स क्या होता है. यस, सोल्जर्स, यू नो सोल्जर्स, हमारे देश के सिपाही जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, पूरी तरह हमारे देश के लिए जो काम करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, उन्हें सोल्जर्स कहा जाता है. तो उन्हीं सोल्जर्स की हमारे पास ये स्टोरी है. ओके, सो हम रीड करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम इसे रीड करके समझेंगे. ओके, फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे कौन कौन से कैरेक्टर है, कौन है, क्या क्या नाम है उनका, ये सब हम देखेंगे. फर्स्ट, स्टोरी जो टेलर है वो जो हमें स्टोरी बता रहा है, और विलेजर्स मीन्स गाँव में रहने वाले लोग, कौन कौन दिए हुए हैं, थ्री मैन एंड थ्री वुमन्स, तीन आदमी थे और तीन औरत थे, लेडीज एंड जेंट्स, थ्री थ्री थे. विलेजर्स जो दिखाए गए हमारे पास, पेज नंबर 52, ओपन योर कोर्स बुक, हमारे पास पूरा पिक्चर ड्रॉ शो हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को. यस, ये जो थ्री है विलेजर, ये जो थ्री है हमारे पास शो हो रहे हैं, यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, ये हम इन्हें कौन कहेंगे, ये हमारे सोल्जर्स है. देन यस, उसके पीछे दिख रहा है आप लोगों को, थ्री जेंट्स थ्री लेडीज़ है वहाँ पे, जो विलेजर जो गांव में रहने वाले रहवासी है वहाँ के, ये उन लोगों की बताई हुई स्टोरी है. उनके साथ क्या हुआ, स्टोन सूप मीन्स पत्थर के द्वारा बनाया गया खाना, कैसे कैसे बनाया, क्या क्या हुआ, ये हमारी स्टोरी है, इसमें हम रीड करेंगे. ओके, सारे बच्चों को इससे काफ़ी केयरफुल होके सुनना है, कॉन्सेंट्रेशन आपका हमारी स्टोरी पर होना चाहिए. स्टोरी टेलर, लॉन्ग एगो थ्री सोल्जर्स वेयर रिटर्निंग होम, दे वेयर टायर्ड एंड हंग्री, सो दैट वेयर हैप्पी व्हेन दे सॉ अ विलेज. क्या हुआ, स्टोरी टेलर जो हमारा फर्स्ट है वो हमें क्या बता रहा है, काफ़ी दिनों पहले की बात है, तीन सोल्जर्स थे तो वो क्या कर रहे थे, अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे, अपने घर की और छुट्टियों में कहाँ, अपने घर जा रहे थे, अपने घर के लोगों के पास जा रहे थे. तो रास्ते में उन्हें क्या हुआ, काफ़ी थक गए वो चलते चलते और उन्हें भूख लगी. तो उन्होंने देखा कि एक आसपास एक गांव नज़र आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया ये हम देखेंगे. गाँव नज़र आने के बाद इवान जो फर्स्ट सोल्जर है, इवान लियो एंड थर्ड, यस, बेनी, तो फर्स्ट जो इवान सोल्जर है वो क्या कहता है हम देखेंगे, थैंक गॉड वी हैव रीच्ड अ विलेज, वी आर श्योर टू गेट फूड टू ईट एंड बेड्स टू स्लीप इन. इवान ने क्या किया, भगवान को शुक्रिया कहते हुए कहा कि थैंक गॉड गांव हमें नज़र आ रहा है और इसी गांव में हम रुककर हम हमारी क्या देखेंगे, खाने की और सोने की व्यवस्था देखेंगे. स्टोरी टेलर, बट द विलेजर्स फेयर्ड स्ट्रेंजर्स सो दैट हैड हिडन देयर फूड, दे हिड कैरेट्स अंडर देयर कॉलेट्स एंड ब्रेड इन द हाई. क्या कहा गया है, स्टोरी टेलर जो है क्या कह रहा है कि विलेजर्स काफ़ी स्ट्रेंजर है, मीन्स काफ़ी खतरनाक भी हो सकते हैं, और वो हमें क्या करेंगे, हमें हमारे खाने की जो चीज़ों की जो ज़रूरत है वो हमें छुप छुपा कर यहाँ से लेना होगा. कैरेट्स अंडर देयर कॉलेट्स, ब्रेड मीन्स कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्या करना होगा, यहाँ से चुपचाप से लेना होगा. लेटस, हाँ, लियो जो सेकंड क्या दिया बताया गया, सेकंड जो सोल्जर है, लेटस नॉक ऑन द फर्स्ट डोर. क्या किया लियो ने, सबसे पहला दरवाज़ा उसने खटखटाया और क्या कहा देखते हैं. तो उस दरवाजे के बाहर कौन निकला, एक वूमन का आवाज़ आया, एक औरत का आवाज़ आया. तो फर्स्ट वूमन, हु इज़ इट मीन्स कौन है,
तो लियो क्या कहता है, काइंड लेडी मीन्स अच्छी लेडी से उसको रिस्पेक्टफुली वर्ड यूज करते हुए कहता है कि वी आर 3 हंग्री सोल्जर्स, कैन यू शेयर योर फूड विथ अस। लियो ने क्या कहा कि हम 3 सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हो, क्या आप हमें हमारा अपना खाना हमें शेयर कर सकते हो, आपस में बांट सकते हैं क्या हम। तो वुमन फर्स्ट क्या कहती, आई हैव नथिंग टू शेयर। यस, फर्स्ट जो लेडीज़ थी उसने क्या आंसर दिया कि नहीं, मैं आपसे कुछ भी शेयर नहीं कर सकती। इवान, वी माइट बी लॉन्गियर एट द नेक्स्ट हाउस। क्या किया उसने इवान, वहाँ से जाकर दूसरे घर के सामने जाके खड़ा हो गया। और फर्स्ट आदमी वहाँ से उसने क्या किया, सेकंड जो घर था वो उससे आवाज़ देने लगा, तो वहाँ से कौन बाहर आया, एक आदमी बाहर आया और क्या कहा उसने, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें। तो इवान क्या कहता है, काइंड सर कुड यू प्लीज़ गिव अस सम फूड, क्या आप मुझे हमें कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। तो मैन फर्स्ट जो पहला था उसने क्या कहा, आई हैव नथिंग टू गिव, वी हैड अ पुअर हार्वेस्ट, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मैं क्या हूँ, काफ़ी गरीब हूँ। स्टोरी टेलर, हुएवर दे आस हैड नो फूड टू गिव, स्टोरी टेलर ने क्या कहा कि हमें ऐसे से तो कोई खाना नहीं देगा। इवान, फ्रेंड्स एटलीस्ट गिव अस अ बिग पॉट सम वाटर एंड 3 राउंड स्टोन्स, वी विल मेक स्टोन सूप। तो इवान ने क्या कहा कि इस तरह हमारी तो कोई मदद नहीं करेगा, पर कम से कम कोई हमें एक बड़ा सा बर्तन दे दे, कुछ थोड़ा सा पानी दे दे, 2-3 पत्थर दे दे, जिससे हम क्या करें, हम हमारा खाना खुद ही तैयार कर सके। स्टोरी टेलर, द विलेजर्स गेव दैम दीज एंड गैदर्ड अराउंड टू वॉच, सून अ फायर वॉज लिट एंड पॉट वॉज प्लेस्ड ऑन इट। क्या कहा स्टोरी टेलर ने कि गांव वाले तो हमारी मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या कहा, गांव वाले इन सब चीज़ों को देख रहे थे कि उन्होंने क्या क्या मांगा, एक पॉट मांगा, एक पानी मांगा और 3 पत्थर मांगे, जिससे उन्हें आग लगाने में काफ़ी मदद मिले। बेनी पुट द स्टोन्स इन द वॉटर, उसने क्या कहा, पत्थर रखा और पत्थर के ऊपर ऑल वी नीड नाउ इट सॉल्ट, उस पत्थर के ऊपर उसने बर्तन को रखा और क्या मांगा, अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, नमक की ज़रूरत है। वुमन टू, आई विल गेट सॉल्ट एंड सम पेपर टू, जो दूसरी लेडी थी उसने क्या कहा कि मैं आपको पेपर और नमक दे सकती हूँ, मीन सॉल्ट दे सकती हूँ। इवान पुट इन द सॉल्ट एंड पेपर एंड टेस्टिंग सम, यस उसने क्या कहा, क्या किया, नमक को उस पेपर में डालकर टेस्ट किया, तो उसे क्या लगा, वेरी टेस्टी, उसे काफ़ी टेस्टी लगा। लियो इट वुड बी टेस्टियर विथ अ फ्यू कैरेट्स, यस अब उसे क्या लगा कि काश अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा कैरेट मिल जाए, गाजर मिल जाए। बेनी सम कैबेज, बेनी ने क्या कहा कि थोड़ा सा कैबेज मिल जाए, मीन्स पत्ता गोभी मिल जाए। मैन थ्री, आई हैव गॉट सम कैरेट्स, तीसरा जो आदमी था उसने क्या कहा कि हाँ हाँ मैं तुम्हें कुछ गाजर दे सकता हूँ। वुमन ने क्या कहा, एंड आई सम कैबेज लेट अस गेट इट, उस वुमन ने क्या कहा कि हाँ मैं भी तुम्हें थोड़ा सा गाजर और थोड़े से कैबेज मीन्स वेजिटेबल्स को दे सकती हूँ। लियो पुट इन द वेजिटेबल्स अ फ्यू स्क्रैप्स ऑफ मीट वुड मेक मेड द सूप फिट फॉर अ किंग, यस उसने क्या किया कि थोड़े थोड़े जो वेजिटेबल्स थे उसको सब पानी में डाल दिया, नमक डाल दिया वेजिटेबल के साथ साथ, और उसे क्या बनाया, सूप बनाया। वुमन थ्री, मीट आई विल गेट सम, मीट मीन्स यस नॉन वेज जो होता है वो मैं आपको दे सकती हूँ, तो उस वुमन ने वो भी उसे दे दिया। इवान स्ट्रिंग द मीट इन, सूप विल बी रेडी, यस पानी में जब सब कुछ डाल दिया, वेजिटेबल डाल दिया, तो वो क्या बन गया, सूप बन गया, तो सूप विल बी रेडी, सूप क्या हो गया, रेडी हो गया। फ्यू मिनट्स मीन्स कुछ ही समय में सूप रेडी हो गया। बेनी टाइम टू ईट फ्लॉक्स, यस फ्लॉक्स मीन्स चम्मच जो होता है, टाइम टू ईट मीन्स उसे खाने की ज़रूरत है। गेट सम बाउल्स, तो बाउल्स जब उन्होंने मांगे तो मैन टू आई विल ब्रिंग देम, यस कुछ ही टाइम बाद बाउल भी क्या किया है, दूसरे आदमी ने उन्हें बाउल ला के दे दिया। तो इसी जरिए इसी तरह से उन्होंने क्या किया, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मांगते हुए उन्हें सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जिन्हें उनकी ज़रूरत थी। इवान इट ओनली वी हैड सम ब्रेड टू गॉट वीटेड, अब बस हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ब्रेड की। तो जो तीसरा आदमी था उसने क्या कहा, आई हैव सम ब्रेड जस्ट राइट फॉर सूप,
मेरे पास कुछ ब्रेड रखे हुए हैं, वो मैं आपको दे सकता हूँ। तो ही गोज ऑफ एंड रिटर्न विद द बास्केट टू ब्रेड। वो वहाँ से गया और अपने बास्केट से क्या निकाल के ले आया, ब्रेड निकाल के ले आया। तो स्टोरी जो टेलर है वो क्या कहता है, एट लास्ट सून एवरीवन वाज हैप्पीली ईटिंग, फ्रॉम नाउ नो वन वुड गो हंग्री, दे हैड लर्न हाउ टू मेक स्टोन सूप। यस, क्या कहा स्टोरी टेलर ने आखिरी में, कि उन्होंने अपने बड़ी खुशी के साथ अपना वो स्टोन सूप जो बनाया हुआ था तो वो उसे पी लिया, खा लिया और सारे हैप्पी हो गए और ना उसमें कोई भूखा रह सका। तो इन सब से हमारी स्टोरी में क्या समझ में आया, कि उन तीन सोल्जर्स ने अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए, मीन्स अपने माइंड का यूज करते हुए, एक एक करके जब वो सबसे पहली बार गांव में आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, देखा आप लोगों ने, नजर आ रहा है, बट उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे कुछ कुछ चीजों को, यस, जो स्ट्रेंजर्स लोग थे उनकी मदद से धीरे धीरे सारी चीजों को इकट्ठा किया और उन्होंने, यस, बोनफायर में जो आग लगाई स्टोन के जरिए, उसके जरिए उन्होंने क्या किया, उस बाउल में सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को डालकर सूप बनाया और बड़े खुशी के साथ क्या किया, जो इतने बेचारे भूखे थे उन्होंने अपनी भूख को, यस, मिटाया। तो यदि मान लो वो गुस्से में आके अपने स्ट्रेंजर्स जो विलेजर्स थे उनसे मदद मांगते तो क्या वो लोग उनकी मदद करते या नहीं, श्योर नहीं करते, क्यों, क्योंकि यदि वो तो उन लोगों के लिए अनजान थे, बट उन्होंने अपना पोलाइटली जो बिहेवियर, जो प्यार से उन्होंने बातें करके लोगों में क्या किया, धीरे धीरे बातों को रखकर अपनी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अपने लिए सूप तैयार किया। तो क्या हुआ, विलेजर्स ने भी उनकी मदद की थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर, जब वो एक एक करके दरवाजे के सामने गए तो सारे लोगों ने, उन्हीं लोगों ने उनको मदद करने से मना कर दिया, बट जब उन्होंने आपस में देखा, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मांगने की कोशिश की, प्यार से उनसे बात की, तो वही विलेजर्स लोगों ने उनकी क्या करी, मदद करी और उन लोगों की भूख को मिटाया और बड़ी बहादुरी से उन्होंने अपनी चीज़ों को एकत्रित करते हुए अपने लिए सूप तैयार किया और उन्हें खा लिया। तो ये जो हमारी स्टोरी थी ये मैंने रीड करी, एक बार इसको आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी मैं कल। ओके, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट देखेंगे।